जलासी से हमेशा भारी है, पहला नंबर मोदी, दूसरा नंबर हमेशा, उसके बाद में बाकी जो आते हैं, तो हमेशा बाप के आगे बेटे की कम चलती है। प्रियंका चौधरी रामदान जी की पोती है, जो रामदान जी ने लोगों के सामने एक मुट्ठी अनाज मांगकर अपनी पत्नी से पिसवा कर लोगों को पटाया। रामदान जी की पड़ पोती है, गंगाराम जी की पोती है, पोती है। और उनके दादाजी लोगों को इतने प्यारे थे ना, तब वो 9 बार इलेक्शन लड़े और 8 बार वो जयपुर विधानसभा में गए हैं। कुछ तो लोगों से उनका प्यार था, 37 कौम से, तब वो वहां पहुंचे हैं। साको प्रियंका की टिकट के लिए किया है तो भी अमित शाह नहीं माने, नहीं माने तो, क्योंकि अमित शाह के गुजरात के, गुजरात का जो लोग आरोप लगा रहे हैं सतपाल मलिक का, सतपाल मलिक और प्रियंका के बीच में कुछ पैसों का लेन देन हुआ है। कोई पैसों का लेन देन नहीं है, उनके दादाजी गंगाराम जी के और सतपाल मलिक के उठन बैठन थी और प्रेम तो हर आदमी से रहता है। आज आप यहाँ फील्ड में घूम रहे हो, आप आपके भी लोगों से प्रेम हो जाएगा, किसी अपने घर शादी समारोह में आएंगे जाएंगे, ऐसे तो होता है। पर उसके ऊपर दाग लगा के बिगड़ दाग तो काटे कैसे, इसलिए उनके वो हमेशा नहीं, वो मलिक साहब बीजेपी के खिलाफ बोल रहे और इनके वो रिलेक्शन था आने जाने का, इसलिए मतलब उनका नाम लगा के घटाए। अब चुनाव प्रियंका चौधरी लड़ रही है, 36 कौम लड़ रही है, 36 कौम नहीं लड़ रही है, प्रियंका का नाम है। और बाड़मेर के अंदर 5-7 जो बीजेपी के कार्यकारिणी के बेटे हैं ना, उसको ये मांजरा दिखाने के लिए 36 कौम लड़ रही है। अब 36 कौम का चुनाव है, 36 कौम का चुनाव है, प्रियंका का नाम कोई उनका तो नाम है, 36 कौम और बाप जी जगरामपुरी, जगरामपुरी जी का, क्यों जगरामपुरी जी 36 कौम के साधु महात्मा है, इसलिए अब की बार प्रियंका जी नहीं और 36 कौम चुनाव लड़ रही है। धन्यवाद, तो धन्यवाद साथियों, देख लो इनका कहना, एक बार शेयर कर दो इस पोस्ट को, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, जय हिंद जय भारत माता। मूड मिली है ना उससे प्रियंका जी को, सारा जो कुल नोटा समेत 10 हाँ कैंडिडेट है, नोटा समेत 10 में 125% प्रियंका जी जाएंगे, 70% ऑन दी बोर्ड बाकी नहीं। अपने पोलिंग बूथ है, अपनी पोलिंग बूथ री की स्थिति रेला, अपनी पोलिंग बूथ री रेला 80% प्रियंका जी के पक्ष में और 20% मेवाराम रे याद नहीं दिली है। बीजेपी नो एक कितनी है कहीं? एक 0% बीजेपी बिल्कुल खासतौर को खोला है, 0% बीजेपी खोला है मेवाराम रोड गोद, बीजेपी से नाराज नहीं है। अब की बार जो यहाँ के 4-5 लोग जो चमचे बड़े हुए हैं, इस वजह से उस चमचों को काटने के लिए ही इतने लोग बीजेपी से नाराज हुए, दिल से नाराज नहीं हुए, हुए तो बीजेपी प्रियंका जी के साथ में जुड़ गए। प्रियंका जी केला चौधरी कैदियों के मारे मातारी कसम है, पूरे मारू कोशिश की नहीं, ऊपर वाले अमित शाह टिकट काटे, अमित शाह की टिकट कटी है, वो हम इस चीज को मानते हैं कि जो मेवाराम ने कटवाई है तो मेवाराम ने डायरेक्ट नहीं यहाँ से एक बात, आप मेवाराम पर खुला आरोप लगा रहे हो कि मेवाराम ने टिकट कटाई है, तो मेवाराम का बीजेपी से क्या लेना देना ही नहीं है उसका, तो नहीं उनके सामने कैंडिडेट तो प्रियंका जी मजबूत है ना, इसलिए वो कटवा रहा था। मतलब केला चौधरी बीजेपी के है, कद्दावर नेता है, केंद्रीय मंत्री है, तो केला चौधरी ने प्रियंका की टिकट, केला कह रहा है कि अमित शाह ने काटी है, हम प्रियंका की पक्ष में थे, हमने आगे रुझान रखा था कि फर्स्ट नंबर पे पहली पंक्ति में प्रियंका का ही नाम है, सब कुछ आप कह रहे हो वो बातें हुई होंगी, आप जो कह रहे हैं वो सब बातें हुई थी। जो मेवाराम जी ने गुजरात के मार्फत अमित शाह से जो आदमियों से बात करवा ली और अमित शाह ने फिक्स कर लिया, उसके लिए एक टिकट हारे या जीते कोई मतलब नहीं, उनको मेवाराम जी की बात रखनी थी और बाकी का जो लेन देन हुआ कुछ भी हुआ वो सेटल अलग हुआ है, इसलिए वहाँ कैला जी की चली न दूसरों की चली। अमित शाह के बाढ़ में से एक ही काम गया मेवाराम का, उसने वो काम कर दिया। तो कुल मिला के प्रियंका की टिकट कटाने में बाड़मेर विधायक के हाथ पूरे 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 मेवाराम जैन के हाथ है, और इसमें मेवाराम को बहुत भी खर्चा भी लगा है टिकट कटाने, ये ऐसा नहीं है जबान से कह दिया और टिकट कट गया।